दोस्तों, आज मैं आपको जैक स्नाइडर जस्टिस लीग की कहानी एक्सप्लेन करूंगा। मूवी शुरू होता है सुपरमैन और डूम्सडे की लड़ाई से। जब डूम्सडे सुपरमैन पर अटैक करता है, उसके मुंह से एक जोरदार आवाज निकलती है जिसकी गूंज जमीन से लेकर आसमान तक सभी जगह फैल जाती है। इस आवाज की वजह से मदर बग्स एक्टिवेट हो जाते हैं। मदर बग्स एक बहुत ही एडवांस पावरफुल मशीन है जिसे बनाया था अपोकलिप्स प्लानट के एलियन ने। ये तीन मदर बग्स पहले अपोकलिप्स के राजा डार्कशीट के पास थे। डार्कशीट एक बेहतर पावरफुल एलियन है जो कि इन प्लैनेट पर कब्जा करके उन्हें मदर बग्स की मदद से टेराफॉर्म कर देता है, मतलब उन्हें अपने प्लैनेट के जैसा बना देता है। हजारों साल पहले डार्कशीट अपनी आर्मी के साथ पृथ्वी पर आया था। अब वो तीन मदर बग्स को एक करके इस प्लैनेट को टेराफॉर्म करने वाला था, लेकिन धरती के अलग अलग देवताओं ने मिलकर उसको हरा दिया और उन्हें भगा दिया और उनके मदर बक्स यहीं रह गए। इसलिए तीन अलग अलग कबीले वालों ने उन तीन मदर बक्स को संभालने की जिम्मेदारी ली थी। इसी ग्रह पर बहुत शक्तिशाली योद्धा मौजूद थे, लेकिन समय के साथ साथ कई योद्धा कमजोर पड़ गए और कई गुजर गए। फिर सुपरमैन का वक्त आया। वो अकेला ही बहुत पावरफुल हीरो था। सुपरमैन के जिंदा रहते मदर बक्स में कोई हलचल नहीं हुआ। जब सुपरमैन की मौत हुई, वो मदरबोर्ड अपने मास्टर को पुकारने लगे। फिर 2017 में थानस ग्रह के आइलैंड में जहां अमेजोन्स रहती है, वहां रखा हुआ मदर बक्स एक्टिवेट हो गया और उसके एक पोर्टल ओपन कर दिया जिसमें से बाहर आया स्टीमन होल। यहाँ पे वो एक पावरफुल एलियन है जो कि डार्क साइड का सर्वेंट है। जंग में उसने डार्क साइड के साथ धोखेबाजी की थी जिसकी वजह से डार्क साइड ने उसे अपने घर से निकाल दिया था और उसे आज तक माफी नहीं मिलने वाली थी जब तक वो 50,000 प्लैनेट को डार्क साइड के लिए जीत नहीं लेता। मदर बक्स का बुलावा आने पर स्टीमन होल वहां पहुंच जाता है और सभी अमेजन वॉरियर से लड़ाई करके उन्हें हरा देता है और वो मदर बक्स हासिल कर लिया और वो दूसरे मदर बक्स ढूंढने के लिए निकल पड़ा ताकि वो इस प्लैनेट को टेराफॉर्म करके डार्क साइड को। स्टीफन वुल्फ के जाने के बाद वहां की रानी ने अपनी बेटी डायना यानी कि वंडर वुमन को एक खास चेतावनी दी। इस चेतावनी को समझने के लिए जब डायना उस अमेजन के मंदिर में पहुंची तो वहां उसे डार्क साइड और मदर बक्स के बारे में पता चला और उसे समझ में आ गया कि फिर से जंग शुरू होने वाली है। इसलिए इस बारे में वो जाकर ब्रूस यानी कि बैटमैन को बताती है। बैटमैन को सुपरमैन के बनने के बाद से इस खतरे का अंदेशा हो गया था, इसलिए वो पहले से ही अपने टीम बनाने में लगा हुआ था। दोनों मिलकर दूसरे सुपर हीरो को ढूंढने में लग जाते हैं। काफी मुश्किल से ब्रूस आर्थर करी यानी कि एक्वामैन तक पहुंचता है पर वो आने से मना कर देता है। फिर ब्रूस पेरी एलन यानी कि फ्लैश के पास जाता है और वो इस टीम में शामिल हो जाता है। दूसरी तरफ डायना साइबॉक से मिलती है पर वो भी टीम में ज्वाइन नहीं करता। उधर स्टीफन वुल्फ अटलांटिस पहुंच जाता है और एक्वामैन को हराकर दूसरा मदर बॉक्स भी हासिल कर लेता है। वो जब दोनों बक्स को साथ रखता है तो उसे एक मैसेज मिलता है कि पृथ्वी पर एंटी लाइफ इक्वेशन मौजूद है। एंटी लाइफ इक्वेशन एक ऐसा फार्मूला है जिससे किसी की भी दिमाग पर काबू करके उसे अपना गुलाम बनाया जा सकता है और इस इक्वेशन को बहुत पावरफुल व्यक्ति ही इस्तेमाल कर सकते हैं। हजारों साल पहले जब डार्कशीट पृथ्वी पर आया था तब उसे पता चला था कि यहाँ एंटी लाइफ इक्वेशन मौजूद है। इससे पहले वो उसका इस्तेमाल कर पाता, धरती के सुपर हीरो ने उसको हरा कर भगा दिया था। फिर यहाँ से जाने के बाद डार्क साइड इस अनंत ब्रह्मांड में उसे ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन नहीं पाता। पर मदरबोर्ड की वजह से स्टीफन वुल्फ को पता चल गया था कि पृथ्वी ग्रह जहाँ पर यह इक्वेशन है। डार्क साइड इस बारे में स्टीफन वुल्फ को बताता है कि अगर वो तीनों मदर बॉक्स की यूज करके धरती को टेराफॉर्म कर देगा तो उसे माफ कर देगा और एंटी लाइफ इक्वेशन को यूज करने के लिए पृथ्वी। स्टीफन वुल्फ को अब लास्ट मदर बॉक्स की जरूरत थी, लेकिन यह तीसरा बॉक्स एक्टिवेट नहीं हो रहा था इसलिए उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए उसने उन लोगों को किडनैप करना शुरू कर दिया जो सभी लोग उस मदर बॉक्स के करीब थे जो कि स्टार लैब पर रिसर्च कर रहे थे। इन लोगों में से स्टार लैब्स के हेड स्टाइलस स्टोन भी शामिल थे। वो बॉक्स विक्टर के पास थी जिसे उसने कहीं छुपा दिया था। जब बैटमैन को पता चलता है कि स्टीफन वुल्फ ने कई सारे लोगों को किडनैप कर लिया है तो वो वंडर वुमन और फ्लैश के साथ उन्हें ढूंढना शुरू कर देता है। साइबर्ग यानी कि विक्टर भी उन टीम में शामिल हो जाता है अपने पिता को बचाने के लिए। फिर ये चारों हीरोज अंडरग्राउंड टनल में जाते हैं जहां स्टीफन वुल्फ उन लोगों को किडनैप करके रखा था। फिर वो सभी लोगों को बचाते हैं और उनसे मुकाबला करते हैं और तब आर्थर यानी कि एक्वामैन भी वहां आ जाता है और स्टीफन वुल्फ वहां से भाग जाता है। फिर वो तीसरी मदर बॉक्स को अपनी टीम के पास लेकर जाता है और वो सबको बताता है कि कैसे वो एक एक्सीडेंट में लगभग मर ही गया था लेकिन उसके पिता ने उस मदर बॉक्स की मदद से उसे बचाया। ये बात सुनकर सब लोग हिसाब लगाते हैं कि मदर बॉक्स से सुपरमैन को भी जिंदा किया जा सकता है और स्टीफन वुल्फ बहुत ही ताकतवर है तो उसे सिर्फ सुपरमैन ही अच्छी टक्कर दे सकता है। इसलिए सभी हीरो सुपरमैन को जिंदा करने का फैसला करते हैं। लोग क्लार्क यानी सुपरमैन के डेड बॉडी को कब्र से बाहर निकालते हैं और वहां से लेकर क्रिप्टन के शिप में जाते हैं। उस शिप में एक जेनेसिस चैम्बर था जहां क्रिप्टन के बच्चे बनाए जाते थे। वहां पर सुपरमैन की बॉडी को रख के उसी मदर बॉक्स से पावर देना था पर मदर बॉक्स को एक्टिवेट करने के लिए भी थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत थी लेकिन उसका पावर लेवल डाउन था क्योंकि लेक्स लूथर ने डूम्सडे को बनाने के चक्कर में उस शिप को बहुत सारी सर्किट जला दी थी।
इसलिए पेरी यानी कि फ्लैश मदर बॉक्स को एक्टिवेट करने का फैसला करता है। जब वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है तो उसके आसपास एक एनर्जी फील्ड बन जाती है। इस एनर्जी की मदर बॉक्स को एक्टिवेट करने की जरूरत थी और वो सिर्फ बार बार सबको वार्निंग दे रहा था। उस काम में बहुत खतरा था। फिर साइबोर्ग जब उसे चेक करता है तो वो सिप और मदर बॉक्स उसको फ्यूचर की एक झलक दिखाती है जिसमें डार्कसाइड धरती पर आ गया था और उसने सभी हीरो को मार दिया था। और वहाँ लुईस लेन भी मर चुकी थी जो कि सुपरमैन की प्रेमिका थी, जिसकी वजह से सुपरमैन एंटी लाइन इक्वेशन की चपेट में आ गया और वो डार्कसाइड का गुलाम बन गया। उसको देखने के बाद विक्टर इस काम के लिए मना करता है, पर पेरी ना को हाँ सुनकर अपना काम शुरू कर देता है। फिर पेरी जैसे ही मदर बॉक्स को अपनी एनर्जी देता है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो क्रिप्टोनियन सिप सुपरमैन को जिंदा कर देता है। पर सुपरमैन की याददाश्त नहीं लौटी थी और वो हैरान था। तभी साइबर के डिफेंस सिस्टम सुपरमैन को खतरा समझकर उसे अटैक करता है, जिससे सुपरमैन भड़क जाता है और सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है। सभी लोग मिलकर भी उसे रोक नहीं पाते क्योंकि वो बहुत पावरफुल था। तभी लुईस लेन वहां आ जाती है और अपने प्यार को सामने देखकर क्लार्क शांत हो जाता है और उसकी याददाश्त भी वापस आने लगती है। फिर लुईस उसको लेकर वहां से चली जाती है और उसकी याददाश्त पूरी तरह से वापस आ जाती है। सुपरमैन को जिंदा करते वक्त वो तीसरा मदर बॉक्स एक्टिवेट हो गया था और स्टीफन वुल्फ को उसके बारे में पता चल गया। अब उसे लेने के लिए वहां पर वो आता है, लेकिन तभी सेलेस्टोन उस बॉक्स को लेकर अपने लैब में आते हैं और उस पर लेजर गन से फायर करते हैं, जिसकी वजह से वो खुद मारे जाते हैं। स्टीफन वुल्फ वहां पर आता है और वो आखिरी मदर बॉक्स को लेकर चला जाता है। उसके जाने के बाद विक्टर को समझ में आता है कि उसके पिता उस मदर बॉक्स को तबाह नहीं करना चाह रहे थे, बल्कि वो उसे सुपरहिट कर रहे थे ताकि उस बॉक्स के हीट सिग्नेचर के जरिए उसे ट्रैक किया जा सके। स्टीफन वुल्फ एक वीरान शहर में अपना काम कर रहा था और उसने अपने अड्डे की चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनाई थी, जिसके वजह से विक्टर वो दो मदर बॉक्स को ट्रैक नहीं कर पा रहा था। लेकिन तीसरा मदर बॉक्स इतना गर्म हो गया था कि अब उसे थर्मल मैप से ट्रैक किया जा सकता था। इसने उन्होंने स्टीफन वुल्फ की लोकेशन पता चल जाती है। फिर ये पांच उस पिरान सर में जाते हैं। दूसरी तरफ सुपरमैन अपने लिए एक नया सूट के लिए उस क्रिप्टन शिप में जाता है क्योंकि उसका पुराना सूट फट गया था और वो एक ब्लैक कलर का सूट पहनता है। सुपरमैन को अपनी पावर मिलती है सन की रेडिएशन से और ब्लैक कलर सबसे ज्यादा रेडिएशन ऑब्जर्व करता है। सुपरमैन अभी पहले के मुकाबले थोड़ा कमजोर था और उसे इस जंग के लिए ज्यादा से ज्यादा ताकत की जरूरत थी, इसलिए वो एक ब्लैक सूट पहनकर काफी देर तक खुद को धूप में चार्ज करता है। फिर वो बैटमैन के घर जाता है जहाँ उसे अल्फ्रेड से पता चलता है कि बाकी हीरोज कहाँ गए हैं। उधर सभी हीरो स्टीफन वुल्फ के अड्डे पर हमला करते हैं। वह स्टीफन वुल्फ तीनों मदर बॉक्स को इकट्ठा कर रहा था और इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगने वाला था। बाकी हीरोज उस पर हमला करते हैं और साइबर्ग उस बॉक्स को अलग करने की कोशिश कर रहा था, पर इस काम के लिए उसे एक्स्ट्रा पावर की जरूरत थी, इसलिए वो फिर से फ्लैश की मदद लेता है। फ्लैश पूरी शहर में काफी तेजी से जोड़कर खुद को चार्ज करता है ताकि वो साइबर्ग को सही वक्त पर पावर दे सके। उधर बाकी लोग के लिए स्टीफन वुल्फ को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। तभी सुपरमैन वहां पर आता है और वो स्टीफन वुल्फ का बहुत बुरा हाल कर देता है। उधर एक पैराडेमन फ्लैश पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसकी एनर्जी कम हो जाती है। उधर साइबर्ग को सही वक्त पर पावर नहीं मिल पाता और तीनों मदर बॉक्स एक हो जाते हैं और वहां पर एक भयानक धमाका होता है जिससे उस जगह मौजूद सभी हीरोज मारे जाते हैं। फ्लैश धमाके से बहुत दूर था इसलिए वो बच जाता है और अब वो अपनी पूरी ताकत लगाकर लाइट की स्पीड से भी तेज दौड़ना शुरू करता है, जिससे टाइम रिवर्स होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे वो उस ब्लास्ट की तरफ बढ़ता है वैसे वो ब्लास्ट रिवर्स होना शुरू हो जाता है और सब हीरोज वापस जिंदा हो जाते हैं। और अब फ्लैश सही वक्त पर विक्टर को पावर देता है। फिर विक्टर उन तीनों मदर बॉक्स को अंदर से सेपरेट कर देता है और फिर सुपरमैन अपनी पावर को यूज करके वो बॉक्स को बाहर से भी अलग कर देता है। जब वो तीनों मदर बॉक्स जुड़ रहे थे तब वहाँ एक पोर्टल खुल गया था जिसके उस पार डार्कसाइड खड़ा था। वो अर्थ को टेराफॉर्म होने का इंतजार कर रहा था जिसके बाद वो धरती पर आने वाला था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाया। फिर सुपरमैन स्टीफन वुल्फ को एक पंच मारकर उसी पोर्टल के अंदर फेंकता है और वंडर वुमन उसका सर काट देती है, जिससे स्टीफन वुल्फ की लाश एपोकलिप्स पर पहुंचती है। वो पोर्टल बंद हो जाता है। भले ही उसका मिशन फेल हो गया था पर अब उसे अर्थ की एंटी लाइफ कनेक्शन के बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो रेडी हो रहा था अर्थ पर आने के लिए। लेकिन मदर बॉक्स खराब हो गया था जिसके वजह से उसे अर्थ पर आने के लिए कुछ वक्त और लगेगा, लेकिन इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आएगा। दूसरी तरफ सभी हीरोज अपनी जीत से बहुत खुश थे और वो सब अपनी अपनी जिंदगी में वापस लौट जाते हैं। ब्रूस अल्फ्रेड के साथ मिलकर अपनी टीम के लिए एक नया बेस तैयार कर रहा था ताकि उनमें वो काम कर सके। उधर लेक्स लटर जेल से फरार हो जाता है और वो बैटमैन से बदला लेने के लिए एक क्रिमिनल को हायर करता है और उसको बैटमैन की पहचान बता देता है। कुछ टाइम बाद ब्रूस को फिर से एक बड़ा सपना दिखाई देता है। डेथ सीट ने दुनिया पर कब्जा कर लिया था
पर सुपरमैन बहुत बुरा बन चुका था। बचे हुए हीरोज को मिलकर उसने एक टीम बनाई थी ताकि वह सब कुछ ठीक कर सके। उसके नींद टूट जाता है, उसे कोई मिलने आता है। वह एक रूप बदलने वाला एलियन था जो कि काफी टाइम पर पृथ्वी पर रह रहा था, लेकिन अब बैटमैन की टीम में शामिल होने का फैसला करता है क्योंकि डार्कसाइड इस दुनिया पर हमला करने वाला था। दोस्तों, ये थी जैक स्नाइडर जस्टिस लीग की पूरी कहानी। होप आपको